चलो दोस्तों, आप मैं आपको आज अपने YouTube चैनल में ले चलूँगा और YouTube चैनल में मैं अपने आज आपको बताऊँगा कि कर्मचारी अपने एम्प्लॉय कोड से अपनी सैलरी स्लिप कैसे निकालेगा और वित्तीय संबंधी जो भी उसकी दुविधाएँ होती हैं, जो भी उसकी परेशानी होती हैं कि इंक्रीमेंट लगा या नहीं लगा, उस चीज़ को वो कैसे देखेगा और वो सारी अपने NPS की कटौतियाँ कैसे देखेगा, उस चीज़ को शो करेगी आपकी पे स्लिप मंथली। और उस पर ले जाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप यूट्यूब में जाइए और आशीष ट्विस्ट के इस चैनल को सर्च करिए और उसमें जाके वहाँ पर लाल रंग का एक घंटी का सब्सक्राइब का आइकन होगा, तो उसको सब्सक्राइब करिए ताकि आप ऐसी और भी वित्तीय जानकारी मुझसे वित्तीय संबंधी जानकारी आप मुझसे जुड़े रहिए और पाते रहिए। चलिए चलते हैं। पहले अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पर लिखेंगे IFMS UK में जो पहला लिंक आएगा उसको हम खोलेंगे, तो ये सीधा हमें अपने डेहराडून की कैटेगरी पर ले जाएगा, उसकी साइट पर ले जाएगा। उसकी पहली साइट की जैसे ही ये आगे डेहराडून की साइड, इस पर हम जैसे ही अंदर पर जाएंगे तो यहाँ पर हमें नीचे पत्थर के नीचे करने पर हमें लॉग इन टू CTS लिखेगा दिखेगा। यहाँ पर मेरा कर्सर आ रहा है, इसको हम एंटर करेंगे तो एक पॉपअप विंडो खुलेगा जिसको हम ओके आएगा, जिसको हम ओके कर देंगे। ये पॉपअप विंडो हमें अपनी IFMS के नए मॉड्यूल पे ले चलेगा। इस नए मॉड्यूल पे जाने के लिए अगर हम फर्स्ट यूजर हैं, पहली बार अपनी सर्विस लिख के निकाल रहे हैं, तो हम अपने फॉरगेट पासवर्ड पर जाएंगे। फॉरगेट पासवर्ड में जाने के पश्चात यहाँ पर हम अपने एम्प्लॉय कोड जो हमें वीडियो द्वारा प्राप्त हुआ है और मोबाइल नंबर वो जिसमें हमारी कैटेगरी जब हमारी सैलरी को जनरेट करती है उस पर मैसेज आता है। सबसे पहले CTS UK करके एक मैसेज आता है, तो उस पर उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर करेंगे। देन गेट OTP करेंगे, तो 6 नंबरों का एक OTP की पिन हमारे फ़ोन पर आ जाएगी। कुछ 6 नंबर की OTP की पिन को हम फिल करने के पश्चात एक नया पासवर्ड जनरेट करेंगे और उस नए पासवर्ड को जनरेट करने के पश्चात हम होम बटन पर आएंगे। होम बटन पर हमें वही काम अब सही दोबारा से करना है। यहाँ पर हमने सबसे पहले अपना एम्प्लॉय कोड लिखना है, देन उसके बाद हमें पासवर्ड डालना है। फिर यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया है 6 नंबरों का, इसको उसी क्रम में जिस क्रम में दिया गया है उसी क्रम में हम लिखेंगे और फिर लॉगिन में जाकर इसको खोलेंगे। अब लॉगिन में जैसे ही जाएंगे, जो हमने जिस भी कर्मचारी का अपने या अपना खुद का हमने डीडी को अप्लाई किया था, तो उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ये जो डीडी कोड था, सॉरी एम्प्लॉय कोड था, ये एम्प्लॉय कोड हमारे मिशनल हमारे पंथ का था, तो उनका ही यहाँ पर नाम आ गया। उनकी प्रोफाइल पे खुल चुकी है, इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, माई प्रोफाइल, माई फ्रेंड, रिपोर्ट, सब सपोर्ट। अगर आपको कोई भी चीज़ में यहाँ पर तकलीफ होती है तो हम सपोर्ट में ईमेल कर सकते हैं, जो हमारे सीधे देहरादून द्वारा प्रेस द्वारा हल किया जाएगा। रिपोर्ट रिपोर्ट्स में जाएंगे तो हमें पे स्लिप का पहला ही ऑप्शन मिलेगा। इस पे स्लिप के ऑप्शन में हम जैसे ही मंथ को एंटर करेंगे तो हमारी पूरी पे स्लिप खुल जाएगी उस मंथ की जिस मंथ की हमें चाहिए। जैसे January 2020 की हमें पे स्लिप चाहिए तो हमने पे स्लिप खोली, उसमें हम अपने NPS की डिडक्शन और संपूर्ण जो खाते में पैसा आ रहा है, नेट सैलरी आ रही है, उसको देख सकते हैं और जो डिडक्शन है उसको देख सकते हैं। जैसे NPS है, इनकम टैक्स है, GIS सेविंग है, BSK है, PA है, HRA है, फिर अलाउंस है, या आने वाला कोई भी इंक्रीमेंट है जो आपको मिला या नहीं मिला, उसकी सारी जानकारी आपको इस पे स्लिप से मिल सकती है। और पुराने कर्मचारियों के लिए एक ऑप्शन और है, GPF डिडक्शन। यहाँ पर से हम उनके GPF क्लिक और GPF डिडक्शन भी अपना देख सकते हैं। तो अभी तक
और माय प्रोफाइल में हम अपनी फोटो सिम पासवर्ड कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। माय क्लेम में वो क्लेम, जैसे कोई आपने मेडिकल क्लेम किया है या कोई अपना GPS एडवांस निकाला है, तो उसकी जानकारी कि वो निकल रहा है या नहीं निकला है, क्या हुआ, उसकी सारी जानकारी हम यहाँ से मिल सकती है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, हमें ऐसा करने के लिए ताकि मैं आने वाले समय में उसमें सही नोटिफिकेशन आप तक मिले, और सब्सक्राइब करके कहीं की कहीं जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आते रहे आने वाले समय पर, मैं उसमें जानकारी एक दूसरे की जानकारी देंगे। धन्यवाद।